आज हम बनाएंगे मटर मखाने की सब्ज़ी। ठंडी का सीज़न आ गया है, हरी मटर मिलने लगी है मार्केट में, मखाना भी उपलब्ध है हमारे पास, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मखाने की सब्ज़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका केटू टिफिन में। चलिए तो आइए शुरू करते हैं मटर मखाने की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी गर्म करेंगे थोड़ा सा। जैसे ही घी गर्म होता है, एक कप के करीब मखाने, इसको हम हल्की आँच पर 8 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे, जब भी मखाना रोस्ट करें तो लो फ्लेम पे हमेशा रोस्ट करना चाहिए। तेज़ आंच पे अगर आप रोस्ट कर देंगे तो मखाने उतने अच्छे से क्रिस्प नहीं होंगे और बाहर से कलर उनका चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसलिए जब भी मखाना रोस्ट करें लो फ्लेम पे करें। 8 मिनट हो चुके हैं, मखाना देखिए टूट के कितना अच्छा बारीक भुरभुरा हो जा रहा है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। कितने अच्छे कलर आ गए हैं मखाने के ऊपर। अब दूसरा एक हम पेस्ट बनाएंगे, जिसमें होगा हमारे पास एक टमाटर, 2 हरी मिर्च, एक छोटा अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 काजू। इनको पीस के हम बढ़िया एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। आइए चलते हैं अगले स्टेप में। एक कढ़ाई गरम किया हमने, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल और जीरा चटकाया है। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के लिए हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। मसालों की एग्जैक्ट मात्रा के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ये 30 सेकंड तक फ्राई हो गया है। अब इसमें हम काजू, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, जो हमने फाइन पेस्ट बना तैयार किया है, उसको मिक्स करेंगे। तो इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, थोड़ा मिक्स करें। मसाले को आप जितनी अच्छे से भूनेंगे, जितनी हल्की आंच पे भूनेंगे, इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया उभर कर आएगा। जब भी मसाला आप भूनें किसी भी सब्ज़ी में, तो हमेशा कोशिश करें कि हल्की आंच पे फ्राई करें मसाले को, अच्छे से भूनें। तेज़ आंच पे भूनने से मसाले का टेस्ट निकल जाता है और अच्छा नहीं लगता है। इसको भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है इसमें। और ये आ गया हमारा लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने किया है, जो बहुत कम तीखी होती है और इससे लाल कलर बहुत ही अच्छा उभर के आता है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हमेशा कश्मीरी लाल का इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाले को भूनने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। धीरे हल्की आंच पे भूनें। जब मसाले से तेल बाहर निकलने लगे, उस स्टेज तक हम इस मसाले को भून के लेके जाएंगे। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें मिलाएंगे कस्तूरी मेथी का पाउडर, हाथ से क्रश करके, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और ये 1/4 के करीब जीरे का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन मसालों को भी टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से भूनना है। देखिए, मसाला हमारा लगभग भून के तैयार है। ये अपना किनारा छोड़ने लगा है और तेल भी बाहर आने लगा है। इस स्टेज पे हम 100 ग्राम के करीब ताजी हरी मटर डालेंगे इसमें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। फ्रोजन वाला मटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 से 1.5 मिनट भूनना उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप फ्रोजन वाली हरी मटर यूज करते हैं तो उसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनें। उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 1.5 कप के करीब पानी। 1.5 कप का करीब पानी आ गया। इसको हम इस चम्मच से अच्छे से मसाले को मिक्स कर देते हैं पानी के साथ और एक उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही एक उबाल आएगा, हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट में ये ग्रेवी, मटर सब कुछ पक के एकदम अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। काजू और टमाटर की वजह से ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। इसके किनारे को अच्छे से छोड़ा दें। ये आ गया हमारा रोस्ट किया हुआ मखाना।
मखाना को ग्रेवी में बहुत देर तक नहीं पकाना है, इसको मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर बस मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने दें। मखाना ज़्यादा देर तक ग्रेवी में पका देंगे तो ये मखाने सब टूट के गल जाते हैं इसमें, इसलिए जब भी मखाना रोस्ट करके पकाएं तो कोशिश करें कि ग्रेवी के लास्ट स्टेज में इसको यूज करें। ये हमारा ग्रेवी बन के तैयार है, इसमें आ गया ये कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता, इसको मिक्स करते हैं और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, खुशबू भी बहुत ही सुंदर आ रही है। इस ठंडी के सीज़न में इसको एक बार अवश्य बनाएं और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।